हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो आने वाली है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे। जिसको पता है यार, मैंने पहले भी एक वीडियो इस पे बनाई है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी सारी, पर इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, आपकी थोड़े से डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बेसिक चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा। और अगर आपको यार ऐसी वीडियोस और चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने 6-8-9 महीने में सीखा है, मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आप भी इन्वेस्ट कर सको और अपने पैसे को खुद बढ़ता हुआ देखो। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक हम रख देते हैं 2500 लाइक्स का। और एक चीज़ और, थैंक यू सो मच यार, 40,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, 50,000 होने वाले हैं। मुझे पता आप जल्दी से करवा दोगे, और 50,000 पे मतलब एक कुछ डिफरेंट करेंगे। वैसे एक सरप्राइज आने वाला है चैनल पे, बट क्या पता तब तक 50 हो गए हो या 50 नहीं हुए हो, बट वो चीज़ आ जाएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चीजें जो मैंने लिखी हैं। तो सबसे पहले आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना यार, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक्स कवर कर ली हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा TFS से अकाउंट क्या होता है। यार जो अभी मेरा नई वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं जल्दी से एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि अब TFSA का मतलब क्या है। तो कनाडा में अगर आपने यार इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, तो तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जो मतलब तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसमें टैक्स पड़ता है, मतलब अगर आप कोई भी कैपिटल गेन्स या कोई भी चीज़ आप उसमें कमाते हो। अब कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, ये मैं पूरी वीडियो में आपको आराम से समझाऊंगा, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो ऐसा सिस्टम है, बस आप ये चीज समझ लो कि जो भी पैसा आपका ग्रो हो रहा है वहां पे पर्सनल अकाउंट में या मार्जिन अकाउंट में, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट आता है TFSA, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इसमें क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो ग्रो जब होता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तीसरा अकाउंट होता है RRSP, ये रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान होता है। ये चीज पे हम अभी आज नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी ऐसी है जिसपे अभी हमें जरूरत नहीं है। बट जो TFSA है, इस पर हमने पूरी वीडियो, मतलब मैं पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा, और लास्ट मतलब साथ साथ आपको जो चीजें हैं, जैसे कि जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि TFSA अकाउंट होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। अब इसमें ऐसा होता है यार कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप क्या करो, आप अपना कुछ भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट करो। और इसमें जैसे मैंने अगर $1,000 डाला और $1,000 मैंने समझ लो एक XYZ स्टॉक में लगा दिया है, वो $1,000 दो साल, तीन साल, चार साल के बाद मेरा $2,000 बन जाता है, ठीक है। जस्ट एक बात कर रहा हूं, तो उस $2,000 पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पैसा लगाया था वो $1,000 था, और जो मेरे को रिटर्न मतलब टोटल पैसा मिला वो $2,000 है, मतलब $1,000 का उस पे मेरे को कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन, अब आपको समझ लग गया होगा कि जो हमारा पैसा की वैल्यू अप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम, उसको हम कैपिटल गेन्स बोल देते हैं। जो हमारे स्टॉक्स के पैसे, मतलब जो हमें $10 लगाए वो 20 बन गए, तो वो हमारा कैपिटल गेन है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इस पे पैसा हमें इंटरेस्ट, मतलब जो भी आपको टैक्स है नहीं देना पड़ता, जो भी आप कमाते हो उस पे, ठीक है। पर अब कुछ क्लॉजेज है यार TFSA अकाउंट में, मतलब कुछ मतलब पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, मेरे जो मैं जिस ऐप से मैं करता हूँ यार, वेल्थ सिंपल ट्रेड, तो वेल्थ सिंपल ट्रेड करके एक ऐप है कैनेडा में, जीरो कमीशन लगती है उसकी, मैं भी वो यूज करता हूँ। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वगैरह कुछ नहीं है यार, मैं वो यूज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। तो उसमें ऐसा है कि $0 कमीशन है, नीचे लिंक पड़ा मेरा रेफरल लिंक है यार, उससे मेरे को भी थोड़ी हेल्प होगी अगर आप यूज करोगे, और आपको भी $10 मिलेंगे जैसे ही आप साइन अप करोगे और ट्रेड करना शुरू कर दोगे। तो वो चीज, वो ऐप पे मैंने पहले पिछले में वीडियो में पूरा इंटरफेस दिखाया हुआ कि कैसे वो काम करता है, पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने ये वाला हूं कि TFSA के क्लॉजेस क्या क्या। तो सबसे पहली चीज है यार कि इसमें अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सारा पैसा टैक्स फ्री बचा सकता हूं, तो ऐसा यार कि मेरे पास $2,00,000 पड़ा है, मैं $2,00,000 डाल दूंगा, मुझे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। बट जब भी वो अप्रिशिएट होगा, बट दिक्कत ये है कि यार इसमें उन्होंने साल की कंट्रीब्यूशन लिमिट रखी होती है गवर्नमेंट ने। अब होता क्या है, जैसे आप वेल्थ सिंपल ट्रेड से अपना अकाउंट बनाते हो TFSA अकाउंट, उसमें सिन नंबर डालना होता है। सिन नंबर डालना टोटली सेफ है यार, क्योंकि ये चीजें होकर रिकॉर्ड CRA कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पास होना चाहिए, और जो भी आप यहाँ पे करते हो, मतलब जितना भी TFSA में आपके जाता है वहां पे वो चीज लिस्ट हो जाती है कि इसके बंदे के अकाउंट में TFSA में इतने पैसे है, तो वो जरूरी चीज है। तो अब इससे होता क्या है कि CRA ने क्या किया हुआ,
यार हर साल की कंट्रीब्यूशन लिमिट दी हुई है TFSA अकाउंट की, जो कि $6,000 के करीब होती है यूजुअली। तो अगर आप 18 साल की, और अगर आप कनाडा में आए हो, मतलब 18 साल की उम्र में कनाडा में आए हो, तो तब से लेकर अब तक जैसे 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 4 साल आप 4 साल हो गए आपको, तो 4 साल की लिमिट 6 जितना भी होता है 24, उतनी आपकी लिमिट अभी पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप उतना ही कर सकते हो। तो जैसे मेरी यार अभी तक की लिमिट 17,500 है। अगर आपने आज तक कभी कनाडा में टैक्स फाइल किया होगा, तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं ऐप बता रहा हूं वो खाली कनाडा वाले लोगों के लिए, इंडिया वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये काम नहीं करता। तो बात यह है कि अगर आपने टैक्स फाइल किया होगा कनाडा में, आपको पता है आपका CRA का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, उसमें जाके आपको एक RRSP एंड TFSA करके पॉइंट होगा, उसमें क्लिक करोगे आपको TFSA की आपकी लिमिट पता लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक यार देखा जाए, मैं अपनी बात करूं तो मेरे को अभी मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने $3,500 अभी तक इन्वेस्ट किया है, तो जो कि अभी मेरी लिमिट मेरी 17,500 है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट TFSA की, कि हर साल हमें लिमिट मिलती रहती है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पैसा $1,000 लगा दिया, उसका 2000 बन गया, 2000 जब आपने विड्रॉ किया तो वो लिमिट आपकी निकल जाती है, उस 17,500 में से वो लिमिट कैंसिल हो जाती है, बट जैसे ही अगला साल शुरू होता है वो लिमिट आपको दोबारा आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट्स आप दोबारा मतलब पैसे अगर आप निकालना चाहते हो निकाल के कर सकते हो, बट मैं यार पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूं, अभी पैसा डालूंगा 10-15 साल तक जो ग्रो होगा मैं उसको देखूंगा। और दूसरा मेन पॉइंट TFSA का ये है कि आप इसमें डेली ट्रेड नहीं कर सकते, आपको इसमें मतलब डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको CRA ने ये अकाउंट दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि बिजनेस के लिए। तो CRA जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, वो डेली ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मानती है, और अगर आप इसमें बिजनेस करते हो तो आपको टैक्स लगेगा। इसलिए यार इस चीज का ध्यान रखना कि दिन में जैसे बार बार खरीदना वही स्टॉक, बार बार जैसे ऊपर गया बेच देना, फिर खरीदना फिर बेच देना, उसको डेली ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो डे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। आप रोज खरीद सकते हो, बट उस चीज अब जैसे मैं यार मैं मतलब एक्टिव इन्वेस्टर हूं, मैं जैसे हर हफ्ते या कुछ भी है मैं पैसे इन्वेस्ट करता रहता हूं, बट ये कि मैं ऐसा नहीं करता यार आज डाले आज ही, जैसे $10 पे खरीदा 14 पे गया बेच दिया, वो चीज अगर बार बार करोगे यार CRA के फ्लैग मतलब CRA के पता लग जाएगा, फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, वैसे कोई गलत बात नहीं है यार, अगर आप एक दो बार ऊपर नीचे कर दो तो इट्स टोटली फाइन, बट ये कि रोज रोज वो चीज नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको ये बता दी, अब तीसरी मेन चीज ये है कि TFSA में टैक्स लगता है, पर सिर्फ उन चीजों पर टैक्स लगता है जो कि आपके US होल्डिंग्स के डिविडेंड्स हो। अब मैं बताऊंगा आपको डिविडेंड्स क्या होते हैं। देखो डिविडेंड क्या होता है यार, डिविडेंड ये होता है कि अगर मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 10 बंदों ने इन्वेस्ट किया, मेरे को साल में मतलब $200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो $200 का प्रॉफिट मैंने $100 अपने पास रखा और $100 मैंने $10-$10 सबको बांट दिए। तो डिविडेंड मतलब एक कंपनी जब अपने इन्वेस्टर्स को एक टाइप का रिवॉर्ड देती है, पैसों में रिवॉर्ड देती है, जैसे कि अगर मेरे को हर महीने डिविडेंड आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका मंथली डिविडेंड होता है, जैसे मंथली डिविडेंड का मतलब ये है, अगर $100 का स्टॉक है वो 10% डिविडेंड देता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10% डिविडेंड देना। मतलब इफ यू आर होल्डिंग दैट स्टॉक, मतलब अगर आपके पास $100 का वो स्टॉक आपने एक खरीदा, तो आपको साल के $10 मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर स्टॉक की वैल्यू ना एप्रिशिएट होती है ना डेप्रिशिएट होती है, मतलब जैसे वैल्यू अगर उसकी सेम है तो आपको $10 मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि बहुत सही चीज है। अब ये चीज का फायदा ये है कि अगर आपने कनाडा के स्टॉक्स होल्ड किए, कनाडा की कंपनीज होल्ड किए TFSA में, दैट्स टोटली फाइन। बट अगर आपने कोई USA की कंपनी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लगा लो, माइक्रोसॉफ्ट के आपने स्टॉक्स लिए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पे जो भी डिविडेंड आएगा उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली कट के आएगा। टैक्स आपको सिर्फ डिविडेंड्स पे देना है, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको दो, माइक्रोसॉफ्ट का आई थिंक 1.5% है, तो $200 में अगर $2 में को साल का डिविडेंड मिलता है, उस $2 का 15% कटेगा। दैट इज नॉट मच, बट स्टिल ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और यार, मैं वेल्थ सिंपल ट्रेड में US के स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि 1.5% आपको कन्वर्जन फीस देनी पड़ती है। जब आप कैनेडियन से US में खरीदोगे तो कैनेडियन डॉलर्स US में जब कन्वर्ट होंगे 1.5 देनी पड़ेगी, फिर जब वो सेल करोगे तब भी 1.5, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको अगर आपको यार US के स्टॉक्स खरीदने हैं, तो क्वेस्ट ट्रेड करके एक प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे कनाडा में, उसमें $5 फीस लगती है। बट जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें मत इन्वेस्ट करो, मतलब क्वेस्ट ट्रेड में मत जाओ, सीधे कैनेडियन स्टॉक्स खरीदो और वेल्थ सिंपल ट्रेड में ही आपको मतलब नॉलेज ले लो थोड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आपको कैपिटल गेन्स पता लग गए, क्या होता है डिविडेंड्स पता लग गए, और TFSA की बाकी सारी चीजें पता लग गई। और मैंने अगर यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है कि आपको मैंने ऑलमोस्ट TFSA की बेसिक चीजें बता दी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यार कि वैल्यू
इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का क्या डिफरेंस है? देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया डिविडेंड्स होते हैं, राइट? अब डिविडेंड का ऐसा होता है, डिविडेंड वही कंपनी यूजुअली देती है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जो आज कंपनी लॉन्च हुई है या 2-3 साल पहले लॉन्च हुई है, वो अपने जो भी गेन्स होते हैं वो कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे टेक कंपनीज हैं, ये डिविडेंड बहुत कम देती है क्योंकि ये जितना प्रॉफिट होता है ये कंपनी में ही री इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी और बड़ी हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे कंपनीज जैसे बैंक्स हो गए, अब मैं आपको यार एक कॉमन सेंस वाली बात बताऊं, अगर आपने स्कोशिया बैंक में आपका अकाउंट है, जो कि अगर आप स्टूडेंट हो 99% आपका स्कोशिया बैंक में अकाउंट होगा, स्कोशिया बैंक जो है वो 0.5 इंटरेस्ट देता है, 0.5% साल का। अगर आपने $100 उसमें रखा है, उस पर आपको 0.5% मिलेंगे, मतलब आधा डॉलर। पर अगर आपने स्कोशिया का स्टॉक खरीदा ना, जो कि आई थिंक $62-63 के करीब है, इमेजिन करो आपको कितने परसेंट डिविडेंड मिलेगा उसका, ऑलमोस्ट 6%। मतलब आपने खाली स्कोशिया का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, उसको रखने के आपको 6% मिलेगा। तो सोचो यार कि इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी चीज है, पैसा आपका पड़े पड़े अकाउंट में नहीं ग्रो करेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज यार मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ आपको कि कभी भी इन्वेस्टमेंट ये सोच के मत शुरू करो कि मैं आज पैसा डालूंगा, मेरा महीने में मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को 10 दिन में कितना हो जाएगा। भैया मेरे को कई लोग पूछते हैं, सर अगर आपने $100 आज डाला तो उसकी 10 दिन के बाद वैल्यू क्या होगी? देखो यार, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट्स लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, ठीक है ना। अगर आप उसको उस वे में लेके चलोगे तो ही चीजें आपको अच्छी, मतलब सही तरीके से आपको फायदा होगा उस चीज का। और दूसरी जो मैं मतलब मेन चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पैसा डाला है उसमें तो सारा सेविंग्स का पैसा नहीं डालना है, आपको अपने लिए थोड़े पैसे रखने हैं। इसको बस एक एज अ मतलब ऐसे रख लेना कि महीने का $200-250 जो मेरा साइड पे बच रहा है मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। सारा पैसा आप इसमें डाल दोगे यार, क्योंकि देखो ये हमेशा वही पैसा डालना चाहिए जो कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बोलेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं कुछ, तो महीने का $100 रख लो, $150 रख लो जो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, ताकि यार ओवर द टाइम वो चीज़ बढ़ती रहे। पर अब बात करता हूं कि भाई पैसा डाले किसमें, नॉलेज ले कैसे। तो देखो यार, कनाडा के स्टॉक मार्केट पे 3 चैनल मैं फॉलो करता हूं, वो 3 चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूं। देखो एक होते हैं स्टॉक्स और एक होते हैं ETFs और एक होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। तीनों का डिफरेंस आपको मैं आज बताता हूं। स्टॉक है, मेरी एक कंपनी है एबीसी कंपनी, उस एबीसी कंपनी का स्टॉक है। मेरी कंपनी साल में 100% ऊपर गई, मतलब मेरे स्टॉक अगर 100% ऊपर गया, $1 का स्टॉक है, अगले साल 2 का हुआ तो मेरा 2 का हो गया, अगर $1 का स्टॉक आधे डॉलर का रह गया तो 50% मेरा लॉस, ठीक है, सिंपल। ETF क्या होती है? ETF मतलब कि आपको इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं यार, कि वो एक स्टॉक नहीं है, वो एबीसी मेरी कंपनी प्लस 15-20 और कंपनीज, उनका मिलके एक मतलब एक स्टॉक बना है, समझ लो एक स्टॉक बन गया, मतलब एक ETF बन गई है, ETF बोलते हैं उसको। और उसमें होगा क्या कि 20 कंपनी होंगी, उससे फायदा क्या और नुकसान क्या? देखो स्टॉक पे अगर 100% कैपिटल गेन हुआ तो 100 का 100% आपका, राइट, और लॉस हुआ 50%, 50 का 50% आपका। बट ETF में अगर आपका एक स्टॉक 100% गेन कर गया, दूसरा स्टॉक 50% लॉस कर गया, आपको डायरेक्ट गेन डायरेक्ट लॉस नहीं मिलेगा। ओवरऑल 20-30 कंपनीज वो ऐसी डाइवर्सिफाई करके रखते हैं पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, सारे सेक्टर्स उन्होंने एक जगह रखे हुए हैं ताकि आपको लॉस ना हो, या मतलब एकदम लॉस ना हो। अब ETFs का ऐसा सीन है यार कि आपको ईयरली डिविडेंड देती है। डिविडेंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने ETFs होल्ड किए हैं 3-4% यूजली, जैसे मैं आपको कुछ कुछ ETFs के नाम बता देता हूँ, जैसे मैं जो होल्ड करता हूँ, अपनी पूरी रिसर्च पे हर चीज रखना यार, मतलब सारी चीजें करना, मैं जो कुछ ETFs होल्ड करता हूँ वो है XIC, XIU, ये कुछ ETFs है जो कनाडा की मार्केट को फॉलो करती हैं, जैसे टॉप 60 कंपनीज हो गई XIU में, तो XIU में कनाडा की टॉप 60 कंपनीज हैं। मतलब अगर टॉप 60 कंपनीज में से 3-4 या 5 पूरा लो परफॉर्म भी करती हैं, बाकी परफॉर्म इतना अच्छा कर देती हैं, तो वो हमें हर साल का 6-10% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सेविंग्स अकाउंट से बहुत ज्यादा है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज लेना है तो आप बेसिक ETFs देख लो, कौन कौन सी में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको मैं चैनल नीचे बता दूंगा, उनके चैनल पे ETFs हैं, पूरी रिसर्च करके उनमें भी पैसा डाल दोगे ना तो आपको मतलब ग्रो करेगा वो, ठीक है, ये चीज आपको समझ लग गई। तीसरी चीज आती है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब हम गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं अपने पैसे पे, तो भाई वो ऐसा होता है कि 10-year bond, 20-year bonds, वो उसमें होता क्या यार, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, 2%, 2.5%, 3%, बट वो चीज सबसे सेफ है, ये चीज बिल्कुल सेफ है। बट सेफ करने का फायदा है नहीं अभी कोई, क्योंकि हमारी एज अभी ऐसी है कि थोड़ा स्टॉक्स में हम जा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले यार आपको अगर अपना
नॉलेज लेनी है ना, अब नॉलेज कहाँ से लें? सबसे पहले 150 to 150 dollars मैंने सीधे अकाउंट में डाल दिया था और फिर मैंने नॉलेज लेनी शुरू कर दी थी। जब आपका पैसा लगा हो ना तब आपको पता लगता है कि आपको नॉलेज कैसे लेनी है, रिसोर्सेज कैसे ढूंढने हैं। तो इसलिए मतलब पूरी मेरे को भी यार कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे भी 6-7-8 महीने लग गए ये बेसिक चीज़ें जानने में, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से ये चीज़ें नॉलेज लेनी पड़ती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज सोच के रखा था कि मैं आपको बताऊंगा। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग पे मैं बात कर रहा था, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग ये होती है कि आपने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया जो कि आपको पता है ग्रोथ के लिए, उनमें डिविडेंड कुछ नहीं है, उनका बस ऐसा है कि आज नए ऐसे कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको बता दूं एप्पल है, ठीक है ना, एप्पल एक ग्रोथ कंपनी है। अगर 5 साल पहले किसी ने पैसा उस पर लगाया था तो उसको अभी पैसा एटलीस्ट डबल या 2-2.5 गुना हो गया होगा, राइट। और ये ग्रोथ कंपनीज है। अब सिमिलरली मैं टीडी बैंक ले लूँ, टीडी बैंक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग है, मतलब कि उसको वो चीज़ ऐसी नहीं है कि 100 से सीधे 200 पहुंच जाएगा, वो आपको सिमिलरली रिटर्न्स भी देता रहेगा और साथ साथ वो आपको डिविडेंड भी देता रहेगा। तो दो डिफरेंट अप्रोच होते हैं, बाकी भी बहुत अप्रोच होते हैं यार डिविडेंड इन्वेस्टिंग। कई तो खाली डिविडेंड्स के बेसिस पे वही स्टॉक चूज करते हैं जो डिविडेंड्स देते हैं। अब मैं एक कंपनी आपको बताता हूँ, रियो कैन, ये एक कंपनी है जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, सौरभ ने भी किया हुआ है, मतलब हम दोनों के पास ये स्टॉक है। तो इसमें ऐसा था कि जब ये गिर गई थी, मतलब पूरा अभी कोविड के टाइम में, तो ये रियल इस्टेट मतलब रीट है, रियल इस्टेट फंड है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर ये $14 पे थी तो $14 पे इसको हम 10% ये वो दे रही थी डिविडेंड। तो अगर $14 पे समझ लो किसी ने $2,00,000 या $2.5 लाख की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $2,50,000 की एक रीट ले ली, तो $2,50,000 के अगर आपने स्टॉक्स ले लिए, जस्ट एक एग्जांपल है, तो $2,50,000 में आपको 10% मतलब $25,000 साल के आपको सिर्फ उस मतलब स्टॉक को पकड़ने के मिलेंगे। मतलब आपने वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और उसके आपको $2,50,000 का 25,000 मिल रहा है, मतलब हर महीने $2,000 आपकी खाली डिविडेंड से आ रहा है, जो कि आपका, कई लोग ऐसे जी रहे हैं यार जिन्होंने सिर्फ डिविडेंड्स में पैसा लगा दिया, डिविडेंड उनका हर महीने आता रहता है और वो उसी से खर्चा करते हैं, सेविंग्स में रखने के बजाय वो डिविडेंड में रखते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें। देखो यार मेरा काम ये है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ जिससे कि आपको खुद एक स्पार्क अंदर हो कि मैं कुछ करूँ या आगे पीछे कुछ सर्च करूँ जिससे चीज़ें पता लगे, राइट। मुझे ये चीज़ बहुत लेट पड़ी पता चली यार, मैं नहीं चाहता आपको लेट पता चले, इसलिए मैंने सोचा एक आज की वीडियो में आपको थोड़ी और अंदर गहराई में जाते हैं, चीज़ें थोड़ी और खोजते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं बिल्कुल ऊपर तक रहा था, आज मैंने थोड़ी सी डीप चीज़ें टच की हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता देना कि मैं और ऐसी वीडियोस बना दूंगा। और एक चीज़ और, अगर जिसने भी वेल्थ सिंपल ट्रेड डाउनलोड करना, मेरा रेफरल लिंक नीचे पड़ा डिस्क्रिप्शन में यार, आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी उससे। तो यही था आज की वीडियो के लिए, और एक लास्ट चीज़ और यार, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना यार। यही था आज की वीडियो के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।